कहते देखो पापा लोग दारू भट्टी से निकाल रहे All my life I've barely spoken. Your words have been so broken. I've been under your... Ayo, good morning, I'm on a book for you. It's a new day in Amon Kumar Vlogs, bro. How are you guys all doing? You're doing great. Yeah, I'm also doing great. यार मेरा भाई का फोन चार्जिंग में लगा था, उसको ऑफ कर दिया मैं. Yo, तो आज का सीन ऐसा है गाइस कि मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आप लोग व्लॉग स्टार्ट किए यहाँ से, कि यहाँ से मेरे को नहीं पता, आप लोग कहीं से भी स्टार्ट किए तो एंड तक के देखना. तो अभी का सीन ऐसा हो रहा है कि मेरी एक्चुअली में आई है दीदी और उनका लगा है कुछ, क्या लकी ड्रॉ कुछ बोलते हैं मेरे को नहीं पता, तो बस व्लॉग बनाने जाने और वहाँ पर मजा आने वाला. अभी बज रहा है 5 और मेरा सांस फूल रहा है क्योंकि मैं अभी पोहा खा गया हूँ और अपन सब तैयार हो चुके ब्रो, सब लोग जा रहे हैं अपन. और यू नो गाइस, गाइस मैं एक टी शर्ट पहन रहा हूँ, मेरे को इतना पतला फीलिंग हो रहा है, मैं मतलब एकदम पतला दिख रहा हूँ. मेरे को एक्चुअली में शर्ट पहना था बट मेरे को अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर मॉल जा रहे हैं. अभी आप लोग भी देखो पूरा, मैं मतलब कि आज ना व्लॉग बनाऊंगा पूरा ज्यादा, मतलब कि बहुत बड़ा व्लॉग रहेगा, तो आप लोग एंजॉय करो, मस्त आराम से देखते रहो, और क्या चाहिए आप लोगों का. तो चलो सब लोग जा रहे हैं, अपन भी चलते हैं मॉल में. और मेरे को मॉल में आज जाना ही था एक्चुअली, अपन जा नहीं पाए क्योंकि अब घर वाले ही जा रहे, तो उनके साथ उसके साथ जाकर क्या करूंगा. तो अपन अपने मास्क पहनते हैं और चलते हैं मॉल. ऐसे देखो मेरी मछली, इसमें फिश है एक्चुअली में, जो आप लोग ब्लॉग देखे थे मैं दोस्त के घर से पकड़ के लेके आया था. पिंकी आओ तो 2 मिनट कैमरा पकड़ो. ये भगवान जगह ही नहीं होगा मेरे को. YouTube से मेरा जब पैसा आएगा ना मैं इसको खरीद लूंगा, क्या बोलते हो मम्मा? हाँ ले लेना. एक्चुअली मेरे को ना गाइस बुलाए थे होंडा के शोरूम से कि वहाँ पे जाओ और ब्लॉग बनाओ, बट मैं गया नहीं था. So broken, I've been under your hypnosis. Why did I sip that potion? I'm so done with. Guys, mummy नहीं जा पा रही है लगता है. अगर वो चल दी. Guys, वो 2 लाख का bike लूँगा, उससे अच्छा मैं पैसे को कहीं invest कर दूँगा और फिर उसमें से मैं 2 करोड़ बनाऊँगा और फिर वो पैसे में से मैं कुछ खरीदूँगा, फिर मैं कुछ और को मैं invest करूँगा, फिर उससे 20 करोड़ बनाऊँगा. तो गाइस एक बिजनेसमैन इस तरीके से सोचता है. देखो पापा वो खड़े अकेले. कॉल करो ना 2 सेकंड मैं कर रहा हूँ. गाइस मेरे को ये वाले एरिया से याद आया कि ना मैं अपना जो फर्स्ट वीडियो था जो एक्चुअली मैं राखी वाला था, मैं वो यहाँ पे शूट किया था और भाई वो क्या तगड़ा था यार, मतलब कि वो जो बनाता था ना मैं ब्लॉग तो बहुत तगड़ा था. ये अभी दिखाता हूँ आपको. यहाँ से मैं ऐसे करके शूट लेके गया था मेरा दोस्त और मैं गया था यहाँ साइड में और फिर वहाँ पे एक लड़की मिली थी जो कि मेरे को डर के भागी, मैं उसको डर के भागा. 2,34,000. हाँ बहुत ज्यादा ही महंगा है. अपन का फाइनली अब यहाँ से अपन लोग फ्री हो गए हैं और पिंकी दी गोवा मनाली स्विट्जरलैंड. और सबसे तगड़ा कंटेंट सोच रहा हूँ मैं और उसको बनाएंगे भाई, क्योंकि मैं लिटरली मैं बहुत तगड़ा वीडियो सोच रहा हूँ. और ये देखो 15 अगस्त का तैयारी हो रहा है, झंडा लग गया है, तिरंगा हमारा, और
ये सब नीचे का पूरा व्यू है और यहाँ पे मम्मी लोग खड़े। आज मजा आ गया भाई लिटरली, अपन 5 बजे निकले घर से। यहाँ का लाइटिंग देखो, और लाइटिंग देखो, ऐसा लाइट ना मेरे को घर में भी चाहिए ऐसा लाइट। गाइस ये कॉफी शॉप है जो बहुत ज्यादा महंगा है, अच्छा सुन नहीं लिए इन लोग। पापा मूवी हुई नहीं देख रहे हैं, कम ऑन। कैसे चल नहीं रहा मम्मी, ये चल नहीं रहा, देख कर आना, गिर मत जाना। चल रहा है ये, पता चल रहा है उल्टा चल जा रहा है, फिर मैं मुंह के बल फसड़ा जा रहा हूँ, इससे अच्छा पहले ही निकल जाओ। हाँ निकल गए, आ जाओ आ जाओ। कैसे देखो पापा लोग दारू भट्टी से निकल गए। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, कहने वाले भाई, कौन सा ले रहे थे भाई? ले लो क्या थे? पापा पियेंगे, चलो ना ले लो। गाइस मम्मी मना कर दी यार वाइन के लिए। वो गुड़िया ला देगी ना। अरे तो यहाँ से क्यों नहीं, 400-500 में मिलता है हे भगवान, यहीं से क्यों नहीं ले सकते मम्मा अपन लोग? अरे 1300 क्या बेकार है। अच्छा 1300 में महंगा है मतलब? ओह 300 का लग रहा है पंपर। हाँ हाँ यहाँ पे 1900 रुपए। यहाँ पे मतलब ज्यादा महंगा है पूरा, सस्ता है ना गाड़ी। एक सेकंड, आप लोग कुछ स्मार्ट वर्ड बोल रहे थे। तो गाइस अभी एक्चुअली वाइन खरीद रहे थे पापा लोग, बट मम्मी मना कर दी। कितने का आता है एक्चुअली में? पापा मास्क पहनिए। एक्चुअली में आता है 400-500 का आता है, बट यहाँ पे 1300 का था तो वाइन नहीं लिया अपन लोग। बैंगलोर वो मॉडर्न सिटी है तो मे बी वहाँ पे सस्ता होगा वाइन, बट यहाँ पे महंगा है। ये अपन जो बुलेरो देख रहे थे, रुको ना इसको देखते है ना पास में, रुको ना इसको पास से देखते है ना। गाइस तो अपन लोग ये वाली, पापा बोल रहे थे कि मैं लूंगा, बट ये कार अपन लोग मना किए क्योंकि अपन को लगा नहीं कि उतना ज्यादा अच्छा है। लेकिन अभी जब अपन एज अ ह्यूमन और एज अ फ्रंट से एज अ कस्टमर देख रहे हैं, अरे मम्मा सब ले सकते हैं, पापा क्यों लेने के नहीं दे रहे हो? मैं तो बोलती गाइस एक सेकंड बैठ कर देखते हैं। मैं 6 फीट कम से कम हूँ और ये देखो ज्यादा ही है, मतलब ठीक ठाक यार, अच्छा है, मेरे कार से तो ज्यादा ही है। और ये देखो अरे यार, ये इंडियन माल लोग ना, मतलब कि घूमना इन लोग और मछिया वछिया लगाने कार के अंदर। ये मिड वेरिएंट ही है सर। अच्छा आपको पड़ेगा मतलब एक शोरूम पड़ेगा 9,48,001 रुपये। अच्छा और कम गाइस, मैं 6 फीट हूँ बट ये टकरा रहा है मेरे को। हाँ ये भी है, ये भी है, और आराम से बैठा रहे 6 फीट का जैसे मैं हूँ। हाँ तो ये तो आराम से हो जाता, मतलब वो 6 फीट के थोड़ा सा आदमी को दिक्कत जाता है, 5.5 फीट अप्रोक्स 5-9, 5-10 तक का आदमी बैठ जाता है, 6 फीट का आदमी। अभी से पीछे बैठा आपको थोड़ा सफिकेशन लग रहा है। आपको कैसी लगी? बस तो दिला रहे गाइस, अपन को हो गया पूरा मॉल का काम। पानी भी गिरा है, पानी भी गिरा। ओपनिंग करो यार, कपड़ा तो एक घंटे का मेहनत का, गाइस हम लोग का मेहनत का है भाई, ऐसा नहीं। ओ हो वाह, 1.5 लाख का कप नहीं, 1,85,000 का कप, ठीक है 1 घंटा वाइन वाइन के लेता। पता है यार पापा मिस कर दिया आप लोग वाइन, आज देखियो ना कोई आ रहा है तो मंगा। हाँ यार बस क्या मजा आएगा वाइन पी के, फिर अपन सब वो तो आई थी वाइन का लड़के नहीं ना वो, और मैं मेकअप रख लूं एक ही पूरे रखने में ले जाली। हां दो ले जा, आपका कितना बड़ा दिल है, वाह। तो मैं क्या करूं, मेरे लिए एक हो गया। हां गाइस मैं इसका ना बहुत तगड़ा रील बनाऊंगा, जो आज हम लोग के साथ हुआ है। आज हम लोग के साथ क्या हुआ दीदी, एक्चुअली मैंने दीदी एक्चुअली मैंने वाउचर जीती, कुछ क्या कुछ था जो भी था वो था चुतिया बनाने का, दीदी जीती और फिर बोले कि आपको यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ कुछ गिफ्ट मिलेगा। ये भी नहीं देगा तो
तो गाइस बुलाए उन लोग ठीक है, और फिर अपन गए वहाँ पे एक घंटा पहले ही पूछे उन लोग कि अगर आप लोग रह सकते हो, क्योंकि फिर अपन बोले हाँ ठीक है। तो फिर बैठे अपन लोग एक घंटा पूरा बताया उन लोग का जो जो कंपनी जिस बारे में था, फिर आखिरी में ठीक है ना सर, ठीक है सर चलते हैं अपन, आप गिफ्ट अपना रेडी करो। और दीदी को एक्चुअली में गोवा का ट्रिप भी मिला है तो अभी देखते हैं दीदी का गोवा का ट्रिप क्या क्या है और कैसा है, फिर अपन देखते हैं, फिर अपन गोवा जाएंगे। दीदी अपन गोवा जा रहे हैं, थाईस पा, थाईस पा 50% ऑफ, और क्या है यहाँ पे 50% ऑफ और है हेयर स्पा में, मेकअप स्पेशल गारंटी। यार तो सब चलते हैं ना मस्त, हेयर स्ट्रेटनिंग का भी ऑफर है तो आप चल देना, आपको करवा लेना। गाइस देखो ये गोवा वाला गाइस, तो दीदी गई घर अपने और मैं ब्लॉग को गाइस यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस ब्लॉग, और अगर आप लोग यहाँ तक ब्लॉग देख रहे हो थैंक यू सो मच। और अभी इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन है तो फिर ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा जूम लग रहा है, आप लोग मेरे चेहरे को बहुत ज्यादा पास से देख रहे हो। तो गाइस मिलता हूँ आप लोग को कल नए ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, फेस। और एनर्जी खत्म हो चुकी है और बहुत सारे काम बचे हैं मेरे, और अभी रात का सिर्फ बज रहा है 9, तो सी यू।